हमारे देश में देवरानी और जेठानी के बीच प्यार और तकरार दोनों ही देखने को मिलती हैं। अब इन सबके बीच देवरानी और जेठानी का रिश्ता प्यार के रंग से सजा होता है तो झगड़े की खटपट से भरा भी होता है। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री की देवरानी जेठानी की टॉप मोस्ट जोड़ी के बारे में बताएंगे। नीतू कपूर और बबीता के रिश्ते के बारे में इस खास रिपोर्ट में हम आपसे चर्चा करेंगे। दोनों के बीच सालों से बातचीत बंद रही और झगड़ा इतना ज़्यादा कि नीतू करिश्मा की शादी तक में नहीं गई। जी हाँ, स्वर्गीय राज कपूर की पुत्रवधु, जिन्होंने 1966 में फिल्म 10 लाख में एक साथ काम किया, दोनों के बीच रिश्ता एक वक्त के बाद बिल्कुल बदल गया। माना जाता है कि इनके बीच नाराजगी का कारण कुछ आंतरिक पारिवारिक झगड़े हैं। किसी ने भी इस मामले के बारे में पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बात नहीं की, इसलिए किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं है कि दोनों के बीच लड़ाई आखिर हुई क्यों। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो इनके बीच के झगड़े को साबित करती हैं। साल 2010 में नीतू सिंह ने अपनी मां राजी सिंह को खो दिया। पूरा कपूर खानदान उनका सपोर्ट करने पहुंचा, अंतिम संस्कार के दौरान शामिल होने के लिए आया, लेकिन बबीता कहीं नजर नहीं आई। सिर्फ बबीता नहीं बल्कि उनकी बेटियां भी इस अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुईं। लेकिन बबीता कपूर अपने देवर ऋषि कपूर के अंतिम संस्कार में मौजूद रहीं, जिनका निधन बीते साल मुंबई के अस्पताल में हुआ था ल्यूकेमिया के कारण। साल 2007 में रणधीर कपूर की पत्नी बबीता और उनकी बेटियां नीतू कपूर की इकलौती बेटी रिद्धिमा कपूर की शादी में शामिल नहीं हुई। सारे फंक्शन से दूर रहीं बबीता, करिश्मा और करीना। इस शादी में रणधीर कपूर को अकेले ही देखा गया। साल 2003 में जब करिश्मा कपूर की शादी हो रही थी, उस दौरान नीतू सिंह भी इसमें अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करवा पाई। ऋषि कपूर अकेले ही शादी में शामिल हुए। मिली जानकारी की माने तो साल 2012 में सैफ अली खान और करीना कपूर की शादी के बाद दोनों के बीच झगड़ा लगभग खत्म हुआ। बबीता ने नीतू कपूर को शादी में पर्सनली इन्वाइट किया। कपूर के करीबी सूत्र बताते हैं कि करीना की शादी में बबीता और नीतू रिश्तों को ठीक करने के अवसर के रूप में काम आई। बबीता पर्सनली नीतू सिंह के पास गई, उन्हें इन्वाइट किया। तब से लेकर अब तक देवरानी और जेठानी मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनती हुई नजर आती हैं। ऋषि कपूर के निधन के बाद बबीता ने नीतू कपूर को काफी ज्यादा संभाला है। ऋषि कपूर के निधन के बाद बबीता काफी अच्छे तरीके से नीतू सिंह का सहारा हर मौके पर बनी हुई देखी गई है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।